शासन के लाख दावे तालाब संरक्षण को लेकर किए जाते हों, लेकिन तालाब दिखते ही दिखते जमींदोज हो जाते हैं, जैसा होने वाला है 24 एकड़ 63 डिसिमल में फैला हुआ है। अमिलकी का रानी तालाब, महारानी तालाब या प्रवीण कुमारी तालाब, जिसको लेकर गांव वाले इसको बचाने में जुटे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर एक दर्जन से ज़्यादा जेसीबी, डंपर, ट्रैक्टर इसको खत्म करने में लगे हैं। शासन मदद करने की बात कर रहा है, वह भी कागजों में, लेकिन मौके पर अभी तक कोई नहीं गया, जिसके चलते तालाब के दोनों ओर की मेड़ अभी तक गायब हो चुकी है। कब पूरा तालाब खत्म हो जाएगा कोई नहीं जानता। 24 एकड़ 67 डिसमल में फैला तालाब बरसात के दिनों में जब इसमें पानी भरा होता है तो यह एक सागर की तरह दिखाई देता है, लेकिन कुछ लोगों ने इस तालाब पर नज़र दौड़ाई या तालाब उन्हें काम का नज़र आया। रीवा गोविंदगढ़ मार्ग में अमिलकी के पास मुख्य मार्ग से लगभग 200 मीटर अंदर मौजूद इस तालाब में बस तालाब की जगह आबादी लिख गया, किसी व्यक्ति के नाम हो गया। गाँव वालों को जब इस बात की जानकारी हुई उनका तालाब आबादी में बदल गया है, उन्होंने शिकायत की। कागज में एक बार फिर तालाब चढ़ गया, लेकिन मौके पर क्या वर्तमान समय में आज वहाँ पर स्थिति कुछ और हो गई है। कई जेसीबी, डंपर, ट्रैक्टर तालाब का स्वरूप बदलने पहुंच गए हैं, लगातार काम जारी है। शासन कह रहा है हमने स्थगन दे दिया है, तालाब का स्वरूप नहीं बदला जा सकता, लेकिन मौके पर किसी ने जाना उचित नहीं समझा। गांव वाले रीवा के कलेक्ट्रेट पहुंचे, आला अधिकारियों से मिले, उन्हें पूरे मामले की जानकारी दी। नतीजे में गाँव वालों को मिला है आश्वासन, तालाब का स्वरूप नहीं बदला जाएगा, लेकिन तालाब के दोनों तरफ की मेड़ तो गायब हो गई है, जो भी बचा है वह भी जल्द ही खत्म हो जाएगा। गांव वाले परेशान हैं, निराश हैं, अब कहां जाएं। तहसीलदार महोदय ने बोला है कि मतलब तालाब का स्वरूप नहीं बदला जाएगा, जो हमसे हो सकेगा तो हम मतलब बराबर प्रयास करेंगे, और नायब तहसीलदार साहब को बोल दिए हैं कि मतलब उनका इससे मतलब मान किया जाए आवेदन, आप मतलब इससे दिया जाए। अभी तो 4 जेसीबी लगी है मशीन बड़ी वाली पोकलैंड सर, और मतलब 4-5 ट्रक लगे हैं, और वो मतलब मेड़ को तो दो तरफ की मेड़ तो मतलब ख़त्म कर दिए, उसको खेत बना दिए, प्लाटिंग बल कर दिए, सदी सरो पूरा बल दिए। ग्राम अमिलकी से तहसीलदार साहब के उपस्थित हुए, तहसीलदार साहब ने हमारी मांगों को पूर्ण किया, आदेश भी दिए हैं नायब तहसीलदार गोविंदगढ़ सालकील को कि हम इसके दिलाए देते हैं, काम बंद कर दो। उनके माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है कि ग्राम अमिलकी में एक तालाब की संरचना है जिसको प्रभावित करने का कुछ प्रयास कुछ द्वारा किया जा रहा है। उसके संबंध में जो तहसीलदार अरुण यादव जी, उनको नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है, जो भी नियम के अनुसार कार्रवाई अरुण यादव जी द्वारा कार्रवाई की जाएगी।